धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे MSG, आप जी से अरदास है कि हमारे MSG संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हमारे गुरु हम सब के बीच देह रूप में जल्दी से जल्दी आएं और हमें अरबों गुना खुशियां बख्शें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक ने इंसान को खुद मुख्तियारी दी है, आज़ादी दी है, ये कुछ हद तक अपने नए कर्म बना सकता है। अच्छे बनाए तो अच्छे कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म ये उस ओम हरि अल्लाह राम को याद करके इस मृत्युलोक में उसके दर्शन कर सकता है। जीते जे गम दुख दर्द चिंताएं खत्म हो और मरणोपरांत आवागमन खत्म कर सकता है। मोक्ष सच्ची मुक्ति जिसे कहते हैं वो इसे हासिल हो सकती है। तो सच्चा मोक्ष सच्ची मुक्ति हासिल करने के लिए आप को घर परिवार नहीं छोड़ना, आपको कपड़ा लत्ता नहीं बदलना, आप जिस धर्म में रहते हो उसी में रहिए, जैसा कपड़ा लत्ता आपको पसंद है पहनिए, बस अपने अंदर की बुराइयों का सफाया करना है। अंत्यकरण की बुराइयां अगर आप खत्म कर लोगे, अंत्यकरण की बुराइयां अगर आप मिटा डालोगे तो यकीनन उस परमपिता परमात्मा अल्लाह राम की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। तो इंसान आज के दौर में आत्मबल कमजोर किए बैठा है, आत्मा कमजोर होती जा रही है, जिससे जरा जरा सी बात भी सहन नहीं होती, जरा जरा सी बात के लिए इंसान इंसान से टकरा जाता है, नफरतें पैदा होती हैं और बुराइयों की दलदल में ऐसा फंसता है कि निकल नहीं पाता। तो जिस तरह कोई दलदल में फंसा हो उसे कोई मोटा टहना मिल जाए, बड़की वो रस्सियां वो दाढ़ी जिसे कहा जाता है वही हाथ में लग जाए तो दलदल से वो बाहर आ जाता है, उसे सहारा मिल गया। तो इस दुनिया की दलदल में फंसे हुए इंसान को इससे निकलने के लिए एक ऐसी मजबूत रस्सी चाहिए जो यहां तो क्या मरणोपरांत अगले जहान में भी कभी टूटे ना कभी छूटे ना, ऐसी रस्सी है ओम हरि अल्लाह की वो धुन अनहद नात, वो बांगे इलाही कलमा ए पाक, वो मालिक से आने वाली आवाज जो निरंतर आ रही है, जो कभी बीच में से टूटती नहीं कभी रुकती नहीं, उस आवाज को पकड़ेगा तो उसके सहारे ये अपनी तमाम बुराइयों से निजात हासिल कर सकता है, तमाम बुराइयां इससे दूर हो जाएंगी और आवागमन जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो उस बांगे इलाही अनहद नाद को जीव पकड़े, उसके सहारे रूहानी मंडलों पे चढ़ता चला जाए तो यकीनन उस मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेगा, खुशियों का हकदार बनेगा, उसकी कृपा होगी, दया में रहमत होगी और उसकी कृपा से इंसान के अंदर जितने भी दुख हैं कलह कलेश हैं वो मिट जाएंगे। तो आप अपने अंत्यकरण की अपने अंदर की अगर सफाई करना चाहते हो तो सत्संग रूपी इस सागर में आके बैठिए, सत्संग में आके आप बैठेंगे सुनेंगे और अमल कर लेंगे तो यकीनन आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते जाएंगे।
देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।